हेलो दोस्तों, आपसे फिर आज सबका फिर से स्वागत है एम के अकेडमी पर, और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम आपको 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम आपको भारतीय राज्यसभा राज व्यवस्था एवं संविधान के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और आप उन्हें देखिए और पढ़िए और उन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। अगर आपको आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से जानते हैं और कितने क्वेश्चन आपको नए मिल रहे हैं। ओके, भारतीय संविधान अपनाया गया था, इसका जवाब दीजिए। भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ओके दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, जल्दी से बताइए। अपने कौन सा आंसर है? भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से कौन थे, और जल्दी से जवाब दीजिए, कौन थे अध्यक्ष? कौन थे अध्यक्ष? थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान कब पहली बार गाया गया था, बताइए अपना आंसर जल्दी से। राष्ट्रगान हमारा वर्ष 1950 ईस्वी में गाया गया था। वर्ष 1950 ईस्वी में हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी से बताइए। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थीं? किस राज्य की राज्यपाल थीं? कौन थीं? बताइए जल्दी से। श्रीमती सरोजिनी नायडू हमारी राज्यपाल थीं। ओके, और कहाँ की राज्यपाल थी ये? यूपी की, यूपी की राज्यपाल थी। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपी के समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। तो हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम केंद्र विधानसभा का गठन कब किया गया था, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसरों का जवाब दीजिए भाई। 1920, 1920 ईस्वी में हमारी प्रथम केंद्र विधानसभा का गठन किया गया था। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? कब अपनाया था? कब अपनाया गया था दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान अपनाया गया था। ओके दोस्तों, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए अपना आंसर क्या है।
अनुसूचियां कितनी होती हैं? 12, 12 थी, 12 हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का सदस्य कौन था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था भाई? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचियां में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? बताइए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कितनी है, कितनी है दोस्तों, जल्दी से, जल्दी जल्दी। तो हमारी 22, 22, 22 भाषाएं हमारी अनुसूचियों में शामिल हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए अपना, जल्दी से। 395, 395 अनुच्छेद थे। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? किस देश से ली थी दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है कनाडा। कनाडा से हमने ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिए? कनाडा से। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी सीजीएल में, पूछ लेता है इन क्वेश्चनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ही बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो कौन था वो देश, कौन था देश? अमेरिका। इसका आंसर दोस्तों क्या है? अमेरिका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, जो हमारे मूल अधिकार हैं संविधान द्वारा में, वो किस देश से लिए गए हैं हमारे? जल्दी जल्दी बताइए आंसर। वो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देश सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई हैं? कहाँ से ली गई हैं हमारे देश के लिए संविधान में? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों आयरलैंड। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से इसकी वो ली गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में एकल नागरिक की अवधारणा अपनाई गई थी, एकल नागरिक की अवधारणा अपनाई गई थी, तो दोस्तों कौन सा इसका आंसर है, जल्दी से बताइए। इसका दोस्तों आंसर है इंग्लैंड से। क्या आया इसका आंसर? इंग्लैंड से दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आपको बेहद ही पसंद आए होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको डेली अपडेट कराई जाएंगी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और आज आपका रिपब्लिक डे है, तो आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके एसएससी में ही, ये हमारे हर जो भी एग्ज़ाम है, देखो जीएस तो कंपलसरी है,
और इंडियन पॉलिटी के तो क्वेश्चन एक या दो जरूर आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपना क्वेश्चन देखिए, याद करिए और अपना वो करिए। ओके, थैंक यू।